मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग ने बताया कि कैबिनेट में कुसुम सिंह योजना के तहत किसानों को लाभ पहुंचाने का प्रस्ताव पास हो गया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में मध्य प्रदेश में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। मंत्री डंग ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेपों में 8 घंटे लगातार बिजली मिल सकेगी तो दूसरी ओर 1,75,000 पंपों को सोलर ऊर्जा से जोड़ने की रणनीति भी बनाई गई है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि अभी सोलर ऊर्जा से 5,000 मेगावाट बिजली बन रही है, आने वाले समय में 10,000 मेगावाट बिजली सोलर से बनाने की योजना है। जो लगातार कदम उठाए जा रहे थे, आज उसमें कुसुम सिंह को भी आज कैबिनेट में शामिल किया गया और कुसुम सिंह के माध्यम से सबसे बड़ी बात है कि इसमें 5,000 करोड़ का निवेश यहाँ पर होगा। बिजली की बचत कैसे हो और उसको हम किस प्रकार से सस्ती दर तक ले जाएं, तो इसमें करीब पूरे फीडर के माध्यम से किसानों को हम लाइटें उपलब्ध करा, सोलर लाइजर के माध्यम से हम इसको पूरी लाइटें दे पाएंगे और जब विद्युत किसानों के खेत पे पहुंचेगी तो करीब दिन में लाइटें 8 घंटे उनको लगातार मिलेगी। 1,75,000 पंप को हम सोलर लाइट जो करने का हम पूरा सिस्टम है वो कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से कदम मध्य प्रदेश में हम लगातार इस विभाग से बढ़ा रहे हैं तो आने वाले दिनों में, अभी तो हम 5,000 मेगावाट में, ये आने वाले दिनों में 10,000 मेगावाट इसको हम कर पाएंगे। इसमें किसानों को तो फायदा है पर सरकार को जो सब्सिडी लगती थी उसका हमें बचत होगी, किसानों को 8 घंटे लाइटें प्राप्त होगी और दंगे हो रहे हैं उन स्थानों को जो देखा गया है, दंगे कौन कर रहा है, पत्थरबाजी कौन कर रहा है, ये पूरा मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान जानता है। उनको चिन्हित करके जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चिन्हित करके जो मामा जी का बुलडोजर चल रहा है, तो अपना में एक ऐतिहासिक कदम है। अभी देखा गया है कि अभी खरगोन की जो घटना हुई है, आप खरगोन में जाके देखें कि पत्थरबाजी किसने करी। ये माहौल ख़राब करने का, जो शांति का टापू मध्य प्रदेश है वो बिगाड़ने का जो कदम उठाए वो किसने उठाए, तो ये कांग्रेस की मानसिकता रही है कि करें अपन और आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाएं। भारतीय जनता पार्टी को बच्चा बच्चा यहाँ पर जानता है और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं तो कांग्रेस का मध्य प्रदेश में आने वालों का कोई भविष्य नहीं है, इसलिए वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं।